प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक क्या है? अवकलन गणित भाग दो। पहले भाग में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे कमेंट दिए, तो अब मैं भी प्रोत्साहित होता हूं। तो अब हम आज अवकलन गणित ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ेंगे। किसका? त्रिकोणमिति के। इसके सूत्रों को बताएंगे। ये सूत्र बहुत ज्यादा यूज होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये तीन ऐसे फंडामेंटल सूत्र हैं जो यूज होने ही होने हैं। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। ये तीन तो ऐसे बेसिक डिफरेंशिएशन के सूत्र हैं जो कहीं ना कहीं किसी समीकरण में जहां भी डिफरेंशिएशन यूज होगा प्रकट हो जाएंगे। तो इन्हें तो याद करना ही करना है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर है, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स किसके बराबर है? सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। अब कुछ सूत्र और हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो तीन सूत्रों के कॉस में क्या आ गया? माइनस आ गया, साइन प्लस था, टेन प्लस था। अब हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसक एक्स, इसका सूत्र कुछ अलग आएगा। क्या अलग आएगा? इसमें माइनस वन अपॉन एक्स अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा एक्स अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये वो सूत्र है जिन्हें हम यूज करते हैं, और बेसिकली ये तीन जो मैंने गोले में कर दिए, ये सूत्रों का तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ज्यादा स्ट्रेस हम इन्हीं सूत्रों पे देते हैं क्योंकि तो सूत्र बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। अब हम ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जो इन सूत्रों का प्रयोग भी हो जाता है और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है अवकलन की। ठीक, इन सूत्रों का हम प्रयोग भी कर लेते हैं और हमारी क्या हो जाती है बेटे? प्रैक्टिस भी हो जाती है इसमें। हम पहली प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम तो हम खुद ही बनाएंगे। y इज इक्वल टू नाइन एक्स की पावर फोर, सुखा नहीं है, नाइन मॉइस्चर है। y इज इक्वल टू एट एक्स की पावर फोर नाइन साइन एक्स
प्लस 16 ए की पावर एक्स। अब इसको समाकलन करना है तो dy बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, d बाय डी एक्स 8 एक्स की पावर 4, d बाय डी एक्स 9 साइन एक्स प्लस d बाय डी एक्स 16 e की पावर x, 8 बाहर आ जाएगा, d बाय डी एक्स x की पावर 4, 9 d बाय डी एक्स साइन एक्स, 16 d बाय डी एक्स e की पावर x, 8 n x की पावर d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, 4 x की पावर 4 माइनस 1, 9 साइन x cos x, 16 e की पावर x, तो कितना हो गया 12 x की पावर 3 प्लस 9 cos x प्लस 16 e की पावर x dy बाय dx। एक दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 tan x प्लस 6 sec x प्लस 5 cos x। तो dy बाय dx जब यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाय dx 4 tan x प्लस dy बाय dx 6 sec x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 5 cos x, 4 d बाय डी एक्स ऑफ 10 x, 6 d बाय डी एक्स ऑफ sec x प्लस 5 d बाय डी एक्स ऑफ cos x। 4 sec square x, 6 sec x tan x प्लस 5 माइनस साइन x, तो क्या आ गया आपके पास, 4 sec square x, 6 sec x tan x माइनस 5 साइन x। तो इसमें हमने काफी सूत्रों का प्रयोग करने की कोशिश करी है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और करते हैं। चलो बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे संपूर्ण भौतिकी उपलब्ध है, लगातार मैं वीडियोस डाल रहा हूं और वीडियो इस रूप में डाल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना आए, सब आसानी रहे, पढ़ना आपका इजी हो जाए। बस प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जौन सा भी यूनिट पढ़नी है या इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूमेरिकल करने हैं, प्लेलिस्ट से वीडियो चूज करिए और उसमें से देख लीजिए। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो उपलब्ध है और चैप्टर भी पूरे उपलब्ध है। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा, वाई इज इक्वल टू 17 कोसक एक्स, कोसक एक्स 5 cot x 2 cos हो गया, sec कर चुके 10 x। जब dy बाय डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा इसका, dy बाय डी एक्स ऑफ 17 cos x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 5 cot x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 tan x। 17 डी बाय डी एक्स ऑफ cos x 5 डी बाय डी एक्स ऑफ cot x प्लस 2 डी बाय डी एक्स ऑफ 10 x, कितना हो जाएगा, माइनस कोसक एक्स कॉट एक्स 5 माइनस
कॉसक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 17 कॉसक एक्स कॉट एक्स माइनस 5 कॉसक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, अदर थिंग्स पे वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।